हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। नेहा जेजीटी ब्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है और मैं एक नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। और बहुत दिनों के बाद मैं ये सीन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ये दो फ्लैट है और इसका पेंट वगैरह हो चुका है। अब नीचे टाइल्स ये सब लगना है। और अभी घर मेरे घर में तीन बच्चे हैं, वहीं छत पे सबको भेजी हूँ, तो पीछे से जाना पड़ा है कि वो लोग क्या कर रही है। दो ननद की बेटी है और एक मेरी बेटी है, तो देख सकते हैं इधर खेल रही है सब। फिर भी डर बना रहता है अंदर से कि पता नहीं सब क्या अकेले में कर रही। और छत पे आते आते मेरी बेटी को तो प्यास लग जाता है, तो उसको मैं डांट रही हूँ कि अब मैं जो नीचे नहीं जाऊँगी पानी लाने, अब थोड़ी देर में बस चलते ही हैं। और इधर देख सकते हैं तीनों खेलने में लगी हुई है, बहुत परेशान करती है तीनों के तीनों। बाप रे, दिन भर सब ये करती रहती है। और इधर देख सकते हैं, सो यहाँ पे मैं वही देखने आई थी कि ये लोग क्या कर रही है। और देख सकते हैं ये लोग इस शैतानी में, मुझे पता ही नहीं चला कि कैमरा का पोज मैं कैसे की हूँ। और बहुत सुंदर सा व्यू लग रहा है अभी देखने में, देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है, बहुत सुंदर। और इधर देख सकते हैं मैं येलो कलर का सूट पहनी हुई और ब्लैक दुपट्टा और ब्लैक प्लाजो के साथ। और मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है बताना, ये न्यू मैं निकाल के पहनी हुई हूँ। गर्मी में तो मुझे लगता है कि जितना पुराना हो वही कंफर्टेबल फील होता है, पर बहुत ज़्यादा पुराना सब हो गया था, इस वजह से फिर नया नया निकालना पड़ा है। और इसकी ये देखिए, वहाँ पे जो पानी गिरा हुआ उस पर गिर गई थी ये, तो इसको खोल के दूसरा कपड़ा, अब तो छत पे कहाँ से मैं कपड़ा लाऊँ, तो इसलिए गंजी पैंट पहन के ही अपना घूम रही है। अब मैं भी थोड़ा टर्न में बहुत दिनों के बाद छत पे आ जाई हूँ, मौका ही नहीं मिल रहा था। और अभी का ये हो जा रहा है कि मुझे शाम होते होते खाना बनाना पड़ जा रहा है, इस वजह से मैं फ्री हो ही नहीं पाती हूँ और ना ही ब्लॉगिंग टाइम से कर पा रही हूँ। और आप लोग के लिए भी सही है कि आप लोग को मेरा ब्लॉग देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोग ऐसे भी मुझे पसंद नहीं करते हो ये मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग का कोई ये दिखता ही नहीं है, ना ही आप लोग कमेंट करते हो, ना ही लाइक करते हो, ना ही वीडियो को वॉच करते हो। सो बहुत बुरा फील होता है, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है ब्लॉगिंग रेगुलर ना करने का। आप लोग अगर चाहते हो मैं ब्लॉग बनाऊँ तो प्लीज़ आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट किया करो, वॉच किया करो। और मैं बिग बॉस शुरू से मैं फॉलो कर रही थी, सो मैं बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे शिवानी या और कोई परसाना मकबूल विनर हुई हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो डिजर्व करती थी वो हुई। सो मैं कल रात को लाइव देखने की कोशिश की जियो सिनेमा डाउनलोड करके, मैं ऐसे ही फेसबुक पे पहले देख रही थी, पर रात में जियो सिनेमा डाउनलोड की पर उसमें पेड कर रहा था, इसलिए वजह से मैं नहीं देख पाई। और रात को 11:30 तक मैं बैठ कर देखी हूँ, तब सोई हूँ जाकर, मुझे इतना नशा हो गया था बिग बॉस का। और इधर देख सकते हैं कल होके शाम का यह सीन है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं बेटी को खिला रही हूँ, और खिलाने के समय पता नहीं मुंह से क्यों निकलता है, अपना ही मुंह खुलने लग जाता है। और बहुत अच्छा मौसम हुआ है, गर्मी भी काफ़ी तेज़ है। और इधर सब बैठ के सबको कुछ ना कुछ नाश्ता दी हूँ करने के लिए, और बेटी को भी दिन में चावल नहीं खाई थी, तो सोची कि थोड़ा सा चावल घी नमक खिला दूँ। खाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है, उसको देख के ही लगता है कितनी पतली सी है, पर खाती ही नहीं है। और ये देख सकते हैं मेरा सूट, अभी मैं नया सूट ही पहन रही हूँ ज़्यादातर। और इधर देख सकते हैं मैं न्यू मंगवाई हूँ ऑनलाइन, कैसा लग रहा है। और सो यहाँ पे देख सकते हैं, और ये दोनों बेटी भी खेल रही है इधर, और वो भी शैतानी करने में पूरा लगी हुई है। और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस टॉपिक पे अपना ब्लॉगिंग करूँ। ब्लॉगिंग करना अभी बहुत टफ है, ये हर जो भी ब्लॉगर है उन्हें पता होगा। और मैं यही सोचती हूँ कि इतना मेहनत करने के भी बाद अगर कोई एक छोटा सा कमेंट भी नहीं आता है तो ये बहुत शर्म की बात है मेरे लिए। तो मेरा बस ये है कि
बस मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाए, और अर्न आना ना आना वो तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है मेरे लिए। पर मैं हाँ चाहती हूँ कि अपने दम पे मैं यहाँ पे मैं वही ये लोग को पढ़ा भी रही हूँ और खिला रही हूँ। और ये देख सकते हैं मेरा सूट मुझे बहुत पसंद आया, फ्री फ्री सा है, गर्मी में जितना फ्री फ्री कपड़ा पहनो उतना ही सही है। और मैं मेरे आवाज़ से अभी आप लोग को लग रहा है मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ किसी बात को लेकर, सो थोड़ा सा ये है, प्लीज़ इग्नोर करना इस चीज़ को। और मैं कोशिश करूँगी डेली कंटिन्यू ब्लॉग करने का, पर मुझे यही समझ में नहीं आता है कि मैं किचन कितना आप लोग को दिखाऊँ, अपने रूम का आप लोग को कितना दिखाऊँ, इस वजह से मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ। और जब वैसा वैसा कंटेंट मिलेगा तो मैं पक्का रेगुलर आप लोग को ब्लॉग लेकर आऊँगी और बहुत सारा इंटरटेनमेंट लेकर आऊँगी। पूजा का ब्लॉग जो था वो मैं काफ़ी लोग पसंद किए हैं, प्लीज़ उसे ढेर सारा प्यार दीजिए। और इधर देख सकते हैं तीनों शैतान बैठी हुई है, बहुत शैतानी करती है तीनों के तीनों। अभी मैं सही से वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ तीनों के वजह से, बहुत इधर उधर करने में लग जाती हैं, इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ। और जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी और फिर से कंटिन्यू करूँगी। और प्लीज़ आप लोग मेरे भी ब्लॉग को देखा करिए, फुल वॉच किया कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरा 1K कंप्लीट करवा दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग 1K मेरा कम, मैं ज़्यादा तो मांग नहीं रही हूँ फिर भी आप लोग उतना भी नहीं करवा पाते हो। और इधर देख सकते हैं मेरी बिटिया को बहुत, देख सकते हैं हुआ क्या है कि मैं इसमें प्याज काट के डाल दी हूँ, अब उस प्याज को वो धीरे धीरे साइड कर कर के चावल चुन चुन के खा रही है, देखिए इतनी प्यारी लग रही है खाते हुए। और इधर ये दोनों को भी मैं नाश्ता दी हूँ, ये दोनों खुद से खा लेती है तो ये खा रही हैं। और आज मैं घर का पर्दा वगैरह धोई हुई थी वहीं पर पसारी हुई हूँ, और देख सकते हैं कितना तेज़ चिलचिलाता हुआ धूप, अब जाकर मौसम 1-2 दिन से सही हुआ है। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको और दिखाऊंगी। और इधर देख सकते हैं बैकग्राउंड में थोड़ा शोरगुल का आवाज़ आ रहा होगा, प्लीज़ उसे इग्नोर करना। और ये मॉर्निंग का टाइम है जब मैं सो के उठ गई हूँ, उठ के बेटी को स्कूल भेज के फिर बैठ गई हूँ, मेरा चेहरे से लग रहा है मेरा नींद पूरा हुआ नहीं है। और अब लग रहा है कि फिर 1 घंटा सो जाऊँ, पर सोने का तो टाइम अब है नहीं, अब मॉर्निंग का टाइम है तो चाय नाश्ता खाना सब अब चलेगा। वही सोच रही हूँ अभी कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी पर इतना ना नींद से ये हो गई कि फिर बात भी नहीं मैं कर पा रही हूँ, और मेरा आँख भी थोड़ा देर के लिए झपक गया था इसी में। सो इस वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।